क्या ऋषभ पंत T20 वर्ल्ड कप में भी IPL की तरह एक्सप्लोसिव बैटिंग कर पाएंगे, क्योंकि 1.5 साल वो क्रिकेट नहीं खेले थे और उनकी वो रनों की भूख मैदान में नजर आ रही है। बिल्कुल, और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के जो कोच हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से इंजरी के बाद जब ऋषभ पंत आए थे तो ना वो किसी से मिले, ना उन्होंने कुछ और किया, सीधे फील्ड में आए और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उन्होंने कहा ही स्टार्टेड विद अ 2-week कैंप इन वाइजैक, he came there, he prepared himself very well. I remember when he came for the Vizag camp, he came straight to the ground from the airport. He was hungry and made sure every day he is going to utilize. बिल्कुल, मुझे तो यही लगता है कि ऋषभ पंत ने जो गुजरात के खिलाफ पारी खेली वो हर मैच में ऐसा करना चाहते होंगे। हालांकि अगर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श अच्छा खेल जाते तो दिल्ली यहाँ पर जो हमें नज़र आ रही है ना 6वें नंबर पर, वो नज़र ना आती, हो सकता है कि टॉप 4 में नज़र आती है और दिल्ली का जो फॉर्चून है वो भी बदल जाता। और यहाँ पर जो है ऋषभ पंत का हार्डवर्क है जो उन्हें पे बैक कर रहा है। हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने 31 रन जड़े थे, बहुत ही फुली एक्सपीरियंस बॉलर थे जिनके अगेंस्ट में उन्होंने ये किया, तो कहीं ना कहीं ऐसी पारियाँ अगर खेलने को मिलती है तो कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है और मुझे लगता है कि ये भी एक तरीके से तैयारी हो रही है उनकी वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि तैयारी जो है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब वो इंजरी से लगभग निकल चुके थे, रिकवर कर चुके थे, तभी शुरू हो गई थी। NCA में उनके वीडियोस कैसे थे वो हमने देखा है कि लगातार जब भी वो वर्कआउट करते थे उसका वीडियो शेयर करते थे। फिर उन्होंने प्रैक्टिस मैच भी अनूर में खेला था, वो भी हमने आपको दिखाया था। तो ऋषभ पंत अपनी फिटनेस को लेकर इतने ज़्यादा डेडिकेटेड थे कि उनकी फिटनेस अब एक नए लेवल पर नज़र आ रही है। और पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन ऋषभ पंत ने ये भी कहा था कि अब मेरी लड़ाई ये है कि जो पहले ऋषभ पंत था उससे मैं कितना ज़्यादा बेहतर हो सकता हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि देखिए फिटनेस एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि अगर आपकी फिटनेस ही नहीं होगी तो आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिट रहना ऋषभ पंत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात अगर हम नेशनली करें या इंटरनेशनली करें, हर लेजेंड आ जाता है और तारीफ ज़रूर करके जाता है ऋषभ पंत की। यहाँ पे साइमन डोल हैं, उनका कहना है पंत इज़ ब्यूटिफुल टू वॉच ऑन दी ऑफ साइड। और जहाँ तक आपने फिटनेस की बात करी थी ना, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि विराट कोहली अगर उनका करियर इतना लंबा है, उनके अचीवमेंट्स कितने ज़्यादा हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिटनेस की वजह से हैं। अब पंत की जहाँ तक बात है तो फिलहाल वो 3rd पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं ऑरेंज कैप की उस लिस्ट में। बिल्कुल, और आप एकदम लगातार देख रहे हैं उनका IPL 2024 का जो स्टेप्स है, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है वो। और साथ के साथ मैं आपको बता दूँ कि आखिरी लास्ट जो मैच खेला है गुजरात टाइटन्स के खिलाफ, वहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी ऋषभ पंत गए। और अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये भी बताते चले कि अगर हम IPL का इतिहास देखें तो उसमें कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने पर्टिकुलर किसी बॉलर को ज़्यादा रन बनाए हैं, बहुत ज़्यादा रन बनाए हैं एक मैच में। तो इसमें पंत जो है वो फिलहाल पहले नंबर पर आ गए हैं। मोहित शर्मा की उन्होंने गुजरात के खिलाफ 18 बॉल खेली थी और उसमें उन्होंने 62 रन बनाए थे। 2-3 खिलाड़ी और उनका नाम और बता दें। और इससे पहले किसी अगर बैट्समैन ने ऐसा किया था तो वो साल 2013 में कोहली ने किया था। 17 गेंदों में 52 रन उन्होंने बनाए थे। कहीं ना कहीं आप खुद ही देख लीजिए कि ये रिकॉर्ड जो था वो कितने सालों पहले बना था। बिल्कुल, और बॉलर जो है वो उमेश यादव थे, इसमें मलिंगा, डेलस्टेन, सैम कुरन, अमित मिश्रा, ये 4 ऐसे बॉलर हैं जो कहीं ना कहीं क्रिकेट के लेजेंड है। तो T20 क्रिकेट में किसी का भी बुरा दिन जो है वो आ सकता है। और जहाँ तक वर्ल्ड कप को लेकर जो चर्चाएं लगातार चल रही हैं उसकी अपडेट भी आपको दे देते हैं कि KL राहुल की अगर हम बात करें तो उनका एज फिलहाल नजर आ रहा है। और जय शाह ने भी स्टेटमेंट दिया था ऋषभ पंत को लेकर कि वो अगर T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, विकेट कीपिंग अच्छी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, और मैचेस के बाद जो है पंत से पूछा गया कि उन्होंने इस बारे में क्या सोचा, तो उनका कहना है व्हेनेवर आई हिट अ 6 इन अ मैच इट प्लीज माय हार्ट। और उन्होंने ये भी बोला कि एट द सेम टाइम आई एम लविंग बीइंग ऑन द फील्ड फॉर ईच एंड एवरी मैच एंड ट्राइंग टू डू द बेस्ट आई कैन फ्रॉम माई साइड। ये नज़र भी आ रहा है पंत जो है वो लंबा नहीं सोच रहे, वो सोच रहे हैं कि एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की जाए। अब चलिए 88 रन मैंने बना लिया, अब अगले मैच में वो फिर सोचेंगे कि मैं यहाँ से टीम को कैसे जिता सकता हूँ और कितने रन बना सकता हूँ। तो बिकॉज KL राहुल और संजू सैमसन जिनका कॉम्पिटिशन लगातार जो है वो पंत के संग चल रहा है, तो उनके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं कि उनके IPL के स्टैट्स क्या हैं, कितने उन्होंने अब तक रन बनाए। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए पंत की जगह तो मेरे को लग रहा है कि पक्की हो चुकी है वर्ल्ड कप में, लेकिन संजू सैमसन और KL राहुल का मुकाबला अभी भी चल रहा है कि कौन अपनी कुर्सी जो है पक्की करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो खबरें आ रही है उनके हिसाब से KL राहुल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है संजू सैमसन के मुकाबले। और KL राहुल के अगर हम स्टैट्स देखें तो फिलहाल 302 रन वो 8 इनिंग्स में बना चुके हैं। स्ट्राइक रेट उन्होंने अच्छा कर लिया है, 141 के आसपास का है। एवरेज जो है वो 37 है। अब संजू सैमसन की अगर बात करें तो उनके उर्वे का एक बार और हम जो है स्टैट्स देखें। T20 स्टैट्स संजू सैमसन के आप लगातार स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। IPL की अगर हम बात करते हैं 2024 की, तो अभी तक उन्होंने 8 इनिंग्स खेली है जिसमें 314 रन जड़े हैं। एवरेज रहा है 62.8 का और स्ट्राइक रेट है 152.4। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो ऋषभ पंत हैं वो, जिनका कंपटीशन तो हालांकि केएल राहुल और संजू सैमसन से है, लेकिन इन दोनों का कंपटीशन अपने आप में ज़्यादा है केएल राहुल और संजू का। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऋषभ पंत पहली चॉइस होते हैं तो फिर दूसरी चॉइस कौन हो सकता है, आप कमेंट करके जो है वो बता सकते हैं।